नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, घोषणा पत्र को बताया नकल पत्र। राजस्थान में कांग्रेस द्वारा गुरुवार को जन घोषणा पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा जनता के सुझावों के बाद इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है। 29 नवंबर को सुबह 9 बजे पीसीसी कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, हरीश चौधरी और रोहन गुप्ता की मौजूदगी में सचिन पायलट ने कांग्रेस का जन घोषणा पत्र जारी किया था, जिसके बाद अब बीजेपी द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को नकल पत्र बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र एक नकल पत्र है जो मूर्खता से भरा हुआ है। इसमें कोई भी गंभीरता नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी के घोषणा पत्र और भयानक जो मजाकिया प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है, एक वही एक दस्तावेज है। कांग्रेस ने न केवल अपना घोषणा पत्र हमसे देर से जारी किया है, बल्कि वो हर कदम पर हमसे पीछे है। वहाँ बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने भी कहा कि कांग्रेस द्वारा एक बार फिर उनके घोषणा पत्र के जरिए जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2008 से 2013 की कांग्रेस के कार्यालय में सरकारी नौकरी रोकने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार के वक्त से ही लड़कियों की शिक्षा प्रदेश में मुफ्त रही है और राइट टू हेल्थ की दिशा में भी राज्य सरकार द्वारा काम किया गया है। वहीं कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में किसानों के उपकरणों को जीएसटी मुक्त किए जाने की बात कही गई है, लेकिन अरुण चतुर्वेदी का इस बात पर कहना है कि जीएसटी काउंसलिंग की ये तय करती है कि ये कौन सा उत्पाद जीएसटी के दायरे में आएगा या फिर कौन सा नहीं आएगा। वहीं अरुण चतुर्वेदी ने ये भी कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन का यही राज्य है, तो देखा जाएगा कि राजस्थान में जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है उससे जनता कितना ज्यादा इम्प्रेस हो पाती है या फिर उसकी वजह से कितना ज्यादा कांग्रेस को समर्थन करती है। और जो कांग्रेस में जो चुनावी माहौल है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा आमने सामने का है, बराबर का है, तो देखा जाएगा वहाँ पर सत्ता किसको मिलती है और वहाँ की सीएम की कुर्सी किसको मिलती है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ साथ टूडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें।